हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। दिए गए आरेख में त्रिभुज व्यक्त किया गया है लड़कियों को, वर्ग बताया गया है लड़कों को, और वृत्त व्यक्त करता है खेल शिक्षकों को। लड़कियों को व्यक्त करने वाले आरेख के अंश में जो लड़कियां खिलाड़ी तो हैं पर शिक्षक नहीं है, वे व्यक्त की गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमें इमेज दे रखी है। यहाँ पर हमें देखना है इसके अंदर, देखिए इस आरेख में हमें जो त्रिभुज है ये लड़कियों का बता रहा है, और जो खिलाड़ी हैं वो स्क्वायर में है, और जो वो सर्किल में नहीं है। तो उस भाग को निरूपित करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर जो आकृति उभयनिष्ठ हो रही है ऐसा बी द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी बी जो है वो ट्रायंगल में भी है और वो हमारा स्क्वायर के अंदर भी है। इसलिए यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा सर्किल में नहीं आना है, क्योंकि देखिए डी भी हमारा ट्रायंगल और स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन देखिए वो सर्किल में भी आ रहा है, हमें सर्किल का पार्ट नहीं लेना है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ये अलग क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक और किशोर। तो यहाँ पर सारी चीजें देखिए, सबसे पहले क्या आता है, शिशु आता है यानी कि सी, उसके बाद कौन आता है, बच्चा यानी कि बी, बच्चे के बाद बालक यानी कि डी, बालक के बाद आता है किशोर यानी कि ए, और किशोर के बाद होता है वयस्क यानी कि ए। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा सी, बी, डी, ई और ए। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें यहाँ पर फिर से सीक्वेंस बनाना है। दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा और ईंट। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, चिकनी मिट्टी, तो यानी कि बी, उसके बाद क्या आती है हमारी ईंट, तो यानी कि ई, ई के बाद क्या आएगी हमारी दीवार, दीवार यानी कि ए, दीवार के बाद आएगा कमरा, कमरे के बाद बनेगा हमारा मकान। तो बी, ई, ए, डी, सी, ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 दे रखे हैं, आप टोटल वाले ऊपर के काउंट कर लीजिए ये हमारे कितने दे रखे हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 दे रखे हैं ये हमको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप तीन तीन के पार्ट कर लीजिए, ये तीन, ये तीन, ये तीन एंड ये तीन। तो देखिए ए बी ए, अब ए बी ए है तो यहाँ पर देखिए बी के बाद क्या आ रहा है ए, तो ये भी यहाँ पे पहले क्या आएगा ए, उसके बाद अगेन एक और ए आएगा हमारा, फिर यहाँ पर क्या दे रखा है ए बी ए यानी कि बी ए आएगा, और फिर उसके बाद आएगा हमारा ए। तो ये सीक्वेंस बनेगा ए ए बी ए ए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस, इसमें क्या है। तो देखिए बी से इस ई पर आए तो ये कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, बी सी डी ई, थर्ड नंबर पर आता है ई। ई से थर्ड नंबर पे अगर हम चेक करें तो आता है हमारा एच, और एच से थर्ड नंबर पे जाएंगे तो क्या आएगा के। उसी के अकॉर्डिंग अब देखिए एम, एम से ओ जाते हैं कितने नंबर पर आता है +2, ओ से क्यू पर जाएंगे तो आएगा +2, और क्यू से +2 जाएंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा एस। तो ये हो गया एस। अब ओ से क्यू, देखिए ओ से क्यू जाते हैं तो हमारा +2, क्यू से एस जाएंगे +2, एस से +2 करेंगे तो आएगा यू। तो ये आएगा हमारा के एस यू, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 9, 13, 17, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक है स्पेस, फिर है 25। तो देखिए 5 से 9 कैसे आया, तो 5 में प्लस किया 4, 9 आया, 9 में प्लस किया 4, 13 आया, 13 में प्लस किया 4, 17 आया,
17 में प्लस 4 करेंगे 21 आएगा, 21 में प्लस 4 करेंगे 25। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 21 आंसर है, तो 21 होगा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब इस क्वेश्चन में देखिए 5, 2, 7, 9, 16, 25, ये हमारा क्या है, पहले 5 से 2 पर यहाँ पर आए हैं उसके बाद। तो देखिए आपस में प्लस कीजिए चीजें, 5 से 2 प्लस करा 7 आया, 2 और 7 प्लस किया 9 आया, 7 एंड 9 प्लस किया 16 आया, 9 एंड 16 प्लस किया 25। अब 16 प्लस 25 करिए, तो देखिए 25 और 16 ये हमारा कितना होता है 41। तो देखिए यहाँ पे 41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं। शैलेंद्र केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है, माधव सबसे छोटा है, आशीष केशव से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस बना लेते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है ऊपर वाली लाइन में, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष ये 5 मित्र हैं, शैलेंद्र केशव से छोटा है। तो शैलेंद्र क्या है, केशव से छोटा है, तो केशव क्या है बड़ा हो गया, हमने यहाँ लिख दिया। किंतु राकेश से लंबा है, तो आर हमने यहाँ लिख दिया। अब माधव सबसे लंबा है, तो माधव सबसे आगे लिख दिया। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, अब आशीष जो है केशव से थोड़ा छोटा, शैलेंद्र से लंबा है, तो यहाँ पर आशीष आ गया बीच में। सबसे छोटा कौन है, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन आ जाएगा, राकेश सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी बच्चे हैं सी के, तो आप ये बना लीजिए ये सी है, इसके बच्चे कौन है, ए और बी। यदि सी की मात्रा माता है बी की, यदि सी माता है बी की, ये इसको हमने बना दिया ये माता है, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, और ए पुत्री नहीं है सी की, तो ये क्या हो गया, हो सकता है कि पुत्र हो, तो सी का ए से क्या संबंध होगा। अब सी का ए से संबंध बताना है हमें क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो ये पुत्र होगा और ये हो सकता है ये इसकी पुत्री हो। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, सी और ए में माता पुत्र का संबंध है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये साफ बोल रही है बेटी नहीं है, तो ये बेटा होगा। नेक्स्ट आते हैं, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है। अब राजू के सम्मुख देखिए उत्तर दिशा है, यहां से राजू चला और ये क्या है इसके सम्मुख उत्तर दिशा। अब वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, यानी कि 30 मीटर चला और फिर वो बाएं मुड़ गया जो कि 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, अब वो दाएं मुड़ा और 50 मीटर गया, उसके बाद अंत में दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर चलता है। अब ये दाएं मुड़कर चला, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया गया कितना चला, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब देखिए ये दिशा कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई पूर्व दिशा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, तो देखिए यहाँ पर ये हमें चिन्ह दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें सही चीज बैठानी है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, आपको इसको सॉल्व करना है अच्छे से। तो देखिए 6 ये साइन दे रखा है 6। अब यहाँ पर इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब है डिवाइड से, यानी कि 2। फिर इसके बाद हम देखिए यहाँ पर ये साइन दे रखा है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई से, और इसके बाद क्या आ रहा है 3। इस साइन का मतलब है प्लस, फिर आ गया 8। इस साइन का मतलब यहाँ पर क्या है माइनस, फिर आ गया 4। और ये इस साइन का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस साइन का मतलब है इक्वल टू, यानी कि 13। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 आंसर निकल कर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, आप इसको इसको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सके तो छोड़ दीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट में करिएगा, क्योंकि इस इनको आपको सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर पता चलेगा सही। नेक्स्ट पे आते हैं।
निम्नलिखित दिए हुए में हमें लुप्त संख्या फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये संख्या लुप्त है, तो देखिए ये वाली जो संख्या है ये वन डिजिट है, ये हमारी टू डिजिट की संख्या है, तो हो सकता है इनमें कुछ हमें मल्टीपल करना हो या फिर हमें कुछ प्लस या माइनस करना हो तभी निकल कर आए। तो देखिए 6 और 8 कितना होता है हमारा, 6 में आप 8 का मल्टीप्लाई कीजिए और फिर क्या, 6 में जब आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे 3, तो आपका 51 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 6 8 या कितना होता है 48, 48 में 3 प्लस किया 51, उसी के अकॉर्डिंग 15 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसमें ऐड कीजिए 5, निकल कर आ जाएगा हमारा 65, क्योंकि 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 60 हो गया, ऐड करेंगे 5, 65। उसी के अकॉर्डिंग अब 20 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारा 100, 100 में आप 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120। नेक्स्ट आते हैं, अब अगेन हमें यहाँ पे लुप्त संख्या फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे हमें 66 दे रखा है, फिर इसके बाद ये इंक्रीज हुई, फिर ये और इंक्रीज हो गई, तो देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती थी इस कॉलम में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो इससे कम करना है, यानी कि सीरीज यहाँ से चल रही है, हमें यहाँ से देखना है यहाँ पर कम संख्या है, इससे बड़ी संख्या है, फिर इससे बड़ी और फिर इससे बड़ी। तो देखिए ये 66 किस तरह से निकल कर आया हमारा, तो डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए 594, 594 में अगर 198 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना निकल कर आएगा, हमारा निकल कर आएगा यहाँ पे ये 3। अब 198 में हम 66 का डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा अगेन 3, और अगर 66 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 है ठीक है, अब हम कितने से डिवाइड करें कि हमारा 3 आंसर निकल कर आए, तो देखिए हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे तभी हमारा 3 आंसर निकल कर आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 22 में मल्टीप्लाई कीजिए 3 का 66 होगा, 66 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 198, 198 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 594 आएगा, तो इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रभा को इस कोड में लिखा जाता है, थलक को इस कोड में, तो भारती को किस कोड में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देख लीजिए, ये जो स्पेलिंग आपको बनाने को दी है क्या वो सारे अल्फाबेट ऊपर वाली स्पेलिंग से मिलते हैं, यस, तो आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे बी से डिनोट किया गया है 9, अब देखिए एच, एच कहाँ है, ये रहा, एच से डिनोट किया गया है 6, ए से क्या डिनोट किया गया है 5, आर से क्या डिनोट किया गया है 7, A से अगेन 5, T से क्या है, T से यहाँ पे 3 डिनोट किया गया है, I से क्या डिनोट किया गया है, यहाँ पर I से बताया गया है 8 को। तो देखिए ये नंबर है हमारा 9 6 5 7 3 8, तो ये नंबर आपको कहाँ मैच कर रहा है, ये नंबर मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन A में, तो ऑप्शन A यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी कूट भाषा में पेरेंट को बी डी एफ जी एच इस कोड में लिखा गया, चिल्ड्रन को इस कोड में, तो उस भाषा कूट भाषा में रिप्रिंट को क्या लिखा जाएगा, तो अगेन वो आप चेक कर लीजिए क्या ये वर्ड वहां पे ऊपर गिविन है, यस, तो देख लीजिए आर, आर यहाँ पे एफ से बताया गया है, ई, ई से क्या डिनोट किया गया है जी को, तो देखिए हमारा ये कट गया और हमारा अभी ए भी कटा है, अब देखिए आर अगेन आर है, आर से क्या आ जाएगा अगेन हमारा यहाँ पर आर ई पी है, सॉरी, तो पी में पहले बी आ गया, फिर आ गया हमारा अगेन आर यानी कि एफ, तो देखिए यहाँ पे ये कट गया हमारा ऑप्शन सी, अब ऑप्शन ए और बी बचा, आई से हमें क्या डिनोट किया गया है एक्स, तो देखिए अब क्या बचा अभी है, एन से, एन से हमें जे बताया गया है, तो देखिए ऑप्शन ए कट गया, डी हमारा होगा, लास्ट देख लेते हैं टी से, टी से हमें बताया गया है के, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।